नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। राहुल गांधी ने एक तरफ मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया, हालांकि 4 साल पहले दिया, लेकिन अब वो इस मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा वीर सावरकर पर दिए गए बयान पर भी राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तमाम विपक्षी पार्टियां उन्हें घेरने की कोशिश कर रही हैं, खासकर महाराष्ट्र में आपने देखा उद्धव ठाकरे लगातार ये बात कहते हुए नजर आए कि राहुल गांधी ने वीर सावरकर का अपमान किया है और वो उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी हालत में। ऐसे में महा विकास अघाड़ी भी टूट की कगार पर नजर आ रही है। हालांकि जो संजय राउत ने बैठक की है सोनिया गांधी के साथ, इसके बाद ये स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है कि राहुल गांधी अब जो अपने बयान देंगे वो काफी संभल कर देने वाले हैं, लेकिन उनके बयान पर तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्हें घेरती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी है वो खासतौर पर निशाना साधती हुई नजर आ रही है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए उन्हें राहू कह दिया। राहुल की लोकसभा सदस्यता खत्म होने के बाद उन्हें सरकारी आवास खाली करने के लिए नोटिस दिया गया है। इस पर कांग्रेस जनता के बीच सहानुभूति बटोर रही है। इन सब के बीच मुख्यमंत्री शिवराज ने राहुल गांधी के बयानों को ओबीसी वर्ग का अपमान बताया। उनका कहना है कि मोदी सरनेम को लेकर के राहुल गांधी ने जो बयान दिया उससे पूरे ओबीसी समाज को दुख हुआ है और उन्होंने उसका अपमान किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के उल जलूल बयानों की एक पूरी श्रृंखला है। ये श्रृंखला ये बताती है कि राहुल गांधी की सोच क्या है। कांग्रेस देश के लिए समस्या है और कांग्रेस की समस्या राहुल गांधी है। तो सीधे तौर पर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बातें कही। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साते हुए क्या कुछ कहा वो आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के लिए पूरे देश में अमृतकाल चल रहा है, लेकिन कांग्रेस पर राहु काल चल रहा है। ये बात शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कही गई। राहुल गांधी कांग्रेस के लिए राहु बन गए हैं। अगर राहुल नेहरू गांधी परिवार से ना होते तो कहां होते, ये सारा देश जानता है, इसे बताने की जरूरत नहीं। लेकिन पार्टी के गुलाम नेता उनको जबरदस्ती राष्ट्रीय नेता बनाने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि हकीकत यह है कि राहुल नेहरू गांधी परिवार के सबसे असफल, सबसे कमजोर, गैर जिम्मेदार, लापरवाह और अहंकारी नेता हैं। ये बात शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कही गई। हालांकि राहुल गांधी की तरफ से इस मामले पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। कांग्रेस पार्टी ने भी इस मामले पर कोई जवाब नहीं दिया है। हालांकि राहुल गांधी को तमाम जो नेता है वो घेरते हुए इस मामले पर नजर आ रहे हैं। आपकी इस मामले पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़।